तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। कल संगठन का संकल्प दिवस है और संकल्प दिवस के अवसर पर जो सबसे बड़ी जरूरत वर्तमान में उभर कर आई है, कोविड के लिए टीकाकरण का काम जोरों से चल रहा है। ये हमारी अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्धारित तिथि के आधार पर अपना टीकाकरण कराए। ये एक परेशानी आई है कि जनरल बीमार लोग जो हेल्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सेवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें बीच में खून को लेकर आप देखेंगे कि काफ़ी कमी आई है। जितने भी रक्त बैंक थे सभी जगह पर इसका अभाव देखा गया है। कई गंभीर मामले भी आए, कई लोगों की जाने भी गई और कोविड के कारण लोग भयभीत थे। और रक्तदान का कार्यक्रम भी, जो लोग रक्तदान करते हैं, महादान करते हैं, ये कार्यक्रम भी बड़ा शिथिल पड़ा हुआ था। लोग भय था कि मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, ये भी क्लियर नहीं था। तो इस बीच में संगठन ने यह निर्णय लिया कि इस बार का संकल्प दिवस उन अभाव को पूर्ण करने का एक प्रयास किया जाएगा रक्तदान के रूप में, कि ताकि ऐसे गंभीर मरीजों के जीवन दान में सहायक हो सके। कल सभी जिला में, प्रखंड में, जहां लोगों ने अपना रक्तदान के लिए उचित संस्था से बातचीत करके रक्तदान का कार्यक्रम आहूत किया है, वहां रक्तदान का कार्यक्रम किया जाएगा। राज्य और पांच प्रखंड, साथ ही क्योंकि ऑक्सीजन एक बड़ा खला है, ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन के लिए लोगों को आप भागते हुए देखें, कई जाने ऑक्सीजन के अभाव पर, समय पर ऑक्सीजन ना मिलने से प्राकृतिक रूप से इसका सबसे बड़ा हमारा ऑक्सीजन दाता हमारे पर्यावरण है और पर्यावरण को संतुलित रखने वाले ये ब्रिज। हमारी कोशिश यही होगी कि कल पूरे राज्य में हर ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। और इसे ब्रिज को हम लोग ने ज़्यादा चिन्हित किया है क्योंकि ऐसे तो लगभग सभी ब्रिज ऑक्सीजन देते हैं और ये पूरा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। तो कल पूरे ये पर्यावरण को संतुलित रखने में नए पौधों को कल लगाकर उसे ब्रिज के स्वरूप तक ले जाने के लिए कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में किया जाएगा। ये दो मूल कार्यक्रम हैं, वर्तमान की आवश्यकता के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया और हम सब लोग इसमें शरीक होंगे।